विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। लूट खसोट के ऐसा मामला कि अपना जान के चौक जई कि एक झोला छाप डॉक्टर एक गांव के भोले भाले ग्रामीण के साथ ऐसा लूट का अंजाम दिस कि जौने का अपना सोच के बिल्कुल बिल्ला जा। हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं जे या सीधी कलेक्ट्रेट में अपन गुहार लगावे आए हैं। गुहार यह बात के लगावे आए हैं कि एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा जो है एक भोले भाले मासूम ग्रामीण व्यक्ति का जो है ओकर 3 एकड़ ओके लगे रकबे रहा 3 एकड़ 15 डिसमिल तो 2 एकड़ और लगभग मतलब 15 डिसमिल वो पूरी जमीन के छोड़े है और बाकी के कराए इस धोखे से रजिस्ट्री। पूरी घटना में हम अपना का दिखाई थे। पहले तो ये देख ली कि यह इनका आवेदन है। आवेदन में साफ तौर पर इनका द्वारा लिखा गया है कि आरोपी गणन द्वारा जो है आवेदक के भूमि के फर्जी तरीके से प्रतिफल विहीन कूट रचित अवैध विक्रय पत्र कराए लिंगा जौने के जांच कराए जाए खितिर और आरोपी गणन के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही कराई जाए। यह पूरा मामला जो है अपना पचेर का बता दें, यह मड़वास चौकी अंतर्गत मझौली थाना के पूरा मामला है और मझौली थाना में यह जगह जो हुआ है धुआं डोला है। तो हम पूछे का नाम है अपना के रामचरित का घटना भय कऊ में या कऊ झोला छाप डॉक्टर आए जो अपना के साथ ही हमें धोखा करी। राम सुंदर जसवाल हाँ। हम खा दवाई करावे कारण लानिस कहाँ से अपना पहले अपन गांव घर पूरा बताई ना कितनी जमीन रही अपना के लगे। 3 एकड़ जमीन रही धुआं डोल से लानिस और यहाँ दूरी से वह करवाए के हैं और जाके दस्तखत करवाए के रजिस्टरी करवा लिया। नहीं तो ये बताई 3 एकड़ कुल्ली अपना के लिए जमीन रही हाँ। और झोला छाप डॉक्टर काहे अपना का यहाँ ले आए रहा का वजह रही कि यह लेके आवा। वह दवाई करावे खातिर लानी साहब का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया अपना के जी। तो वो मैं का कहिस कि का कराऊ कहाँ दवाई कराऊ कैसा कराऊ कि बाहर दवाई हुई सीधी हुई हन हो पा रही हाँ। का कहिस कितना पैसा लागी हो में 50,000 रुपये कैसे लागी तो हम पैसे हमें लेके नहीं रहा गरीब आदमी के लिए। का कहिस हुआ अपना से कहिस के जमीन के दे दे हम कहाँ नहीं जमीन बेच दे कहिस कि का गहन धर के कहिस गहन धर के हाँ फिर का करीस फिर रजिस्ट्री करवा ली साहब हाँ हाँ। तो अपना नहीं जाना रहन कि ये हाँ। गहन ही जमीन हाँ। की रजिस्ट्री है भाई पढ़े लिखे नहीं रहन हाँ। अंगूठा छाप वाले रहन हाँ। तो नहीं जानकारी हमारी रही। तो अपना के परिवार में कई जने हैं कई जने हैं अपना परिवार में 5 लड़की हैं 2 लड़का हम 5 लड़की हैं हाँ और 2 लड़का हैं। तो अपना केहूस पूछे रहन कि नहीं पूछे रहन हम जनवे नहीं बन का पूछे साहब हाँ पूछा जाना कुछ नहीं तो यह कैसा जाने ना अपना की या अपना के रजिस्ट्री लड़का बतावे लागे हाँ। कि रजिस्ट्री करवा दे तू तो हम कहा रजिस्ट्री हम नहीं करवा पा रहे धोखा से करवा ली राम सुंदर हाँ। हाँ? अपना का 500 रुपया दे है कुछ की नहीं दे साहब हाँ। हमका 500 रुपया नहीं दे है। तो ये राम सुंदर वहाँ करत का है वो डॉक्टर ही करत है गाँव में होबे करे राम सुंदर गाँव में के आए राम सुंदर जायसवाल हाँ जायसवाल कब पुश्तैनी रहता है वही के हाँ पुश्तैनी नहीं तो ये मैं गांव में मैं मतलब करत है तो ये ऐसा गलत बात यह है सीधे तौर में सोची कि आँखी में गोट डारब जैसा बात थी कि मतलब एक व्यक्ति के मजबूरी के ऐसा फ़ायदा उठाए इसकी मतलब एक व्यक्ति यदि एक्सीडेंट हो गया रहा वह पूरी तरह से वो बीमार रहा तो ओके मौका के ऐसा फ़ायदा उठाए इसकी वह व्यक्ति का गुमराह कह के बंधक व करे के जमीन की बात भय रही किंतु कराएल हिस्स रजिस्ट्री सोची यह है सीधी जहां मानवता और इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। ऐठे इनका पूरा परिवार खड़ा है बिटिया खड़ी हैं अपना के मिसेज खड़ी हैं मतलब धर्मपत्नी खड़ी हैं लड़का खड़े हैं कैसा जानकारी भाई दादू तो कपचन का कि यह मैं कह दी नहीं है सब हम आयन गए परदेश में रही थे हाँ कहाँ रहते हैं बिलासपुर आयन पिताजी की तबीयत खराब थी पहले फ़ोन लगाए रहे तो आयन चीज़ के बारे में पिताजी कहीं गहन रखे हैं फिर निकल नक्शा निकालन सुनन सुनाई है पिताजी को बताया नहीं से बात हो चुकी है क्या बात बताएं पूरी बात बताई ना यह बताएं कि जमीन गहन रखे हैं कि बेचे हैं पिताजी कहीं जमीन गहन रखे हैं तो हम कहें ये दिखावा लाग है तो बेची है। बेची ही श्याम कल भी दिखावा लाग जमीन में तो पिताजी कहीं हम नहीं बेची हैं चली भाई यहाँ चली था तो ये कब है कि घटना कब है क्या है कब यह में घटना है कब गहन रखी न फिर कब जाने न प्रपच किया मतलब ओके नाव चली चढ़ी गए अब जमीन 4-5 दिन हो गया जमीन यह जानकारी भय मतलब यह कब यह में बंधक बनाए रहा मतलब कब आए कि यह सब करे रहा पिताजी के एक्सीडेंट कब भरा है एक्सीडेंट 2 महीना पहले मतलब सोची देखी इतना सातिर व्यक्ति की अपने गांव में देखी सातिराना चाल कि एक व्यक्ति जो है जो गरीब है जेके लगे कुल भूए 3 एकड़ रही ओमा 2 एकड़ 75 डिसमिल जो है कूटरचित दस्तावेज
जो है पूरी तरह से फर्जी कई के एक व्यक्ति का जो है आज भूमिहीन बना दी। जो पहले कबो 3 एकड़ के मालिक रहा तक केवल गहन रखे के बात माँ यहीं से बेबे ये बात कही जाती कि गहन जो रखे है या यह सब चीज़न के सूदघोरन के अंत हो चाहिए जरूरी यह है, किंतु हालात यह कि यह में साधारण और मासूम ग्रामीण यह में लूटे जा रहे हैं। एक झोला छाप डॉक्टर सोची कितना सातिर है कि जो लगातार एक व्यक्ति का पहले था यह लालच दीस कि तो हो चला सीधी में दवाई कराए दी और सीधी में दवाई कराए के बाद यह कहीस कि यह मत 30-40 हज़ार रुपया लागी तो उनके लिए बेचारों के लिए पैसा नहीं रहा था कहीं ना हम भूइया गहन धैल है जब तो हूँ पैसा पट जाइए था हम अपन जमीन मुक्त आलिप्त हो से। किंतु वह आदमी सोची रजिस्ट्रार कार्यालय आवत है और बंधक पत्र के नाम पर व्यक्ति का गुमराह करत है और करा लेते हैं रजिस्ट्री और आज वह बन गया 2 एकड़ 75 डिसमिल के मालिक वहीं बचे इनके लगे जे 3 एकड़ के मालिक रहे 15 डिसमिल भूइया बची है। सोची कि यह में कूटरचित दस्तावेज से आखिर लोग कितना सातिर हो चुके हैं। हमारे साथ वकील हैं अधिवक्ता हैं रोहित जी, तो हम उन्होंने पूछब कि यार कितना न्याय संगत है मक्का इनका कऊ में न्याय मिल सकता है। रोहित जी यह पूरा मामला अपना जैसे जनते लागे सुनबे बहन तो यह बताई का ये पूरे मामला में कैसा इनका बेचारे गरीबन का न्याय मिल सकता है, कैसा वापसी हो सकती है। देखिए ये प्रकरण में हम इनकर पैरवी कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर यह बात हो लगी कि भोले भाले लोगन का गरीब लोगन का जो सातिर बदमाश टाइप के ग्रामीण हैं वो बुलाए के ले आवे थे, कौनों कहीं बंधक लिखवाए थे, कौनों कहीं किरायनामा लिखवाए थे, कौनों कहीं एग्रीमेंट लिखवाए थे, कहीं बेचारे नहीं जाना था तो वहाँ लिखवाई वहाँ सिस्टम बने ही जो दुकानदार हैं दुकानदार आजकल रजिस्ट्री लिखत हैं तो वो रजिस्ट्री लिख पढ़ के अपन धाय राते फार्मेट उमन नाव भर लिख देते और रकबा और ले यही हैं तो कहीं कि बंधक ये समय रजिस्टर्ड बंधक होबा करत है तो वह रजिस्टर्ड बंधक करावे के चक्कर में रजिस्टर बिक के प्रत लिखा जाते। आज जो ये ग्रामीण खड़े हैं मात्र 15 डिसमिल 3 एकड़ से ज़्यादा के भूइया में मात्र 15 डिसमिल भूइया बची है, यह कितना बड़ा अन्याय है। प्रशासन कैमरा के सामने सारी बात का स्पष्ट कहके रजिस्ट्रार नहीं पूछें, हमारा तो यह आरोप है और कैमरा के सामने ये आरोप है कि रजिस्ट्रार का जो चीज़ कहा गया है कि भाई विक्रय करने वाला और विक्रय खरीदने वाला दोनों से इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सही क्या है और जब सब बात बता दी जाए कि तुम्हार भूइया यह लय ले लाग है इतने रुपये में लय ले लाग है या लिखा जा लाग है या लिखा है चौहद्दी यह है तुम्हार भूइया कुल्ली इतना बचल लागी सब चीज़ जब तक बताए न दीन जाए तब तक रजिस्ट्री न करावे चाहिए केहू की। आज यह सिविल न्यायालय में 20% से ज़्यादा रजिस्ट्री कंसलेशन के मुकदमा लंबित हैं। कारण यह है कि सामने वाला व्यक्ति का जानकारी नहीं रहा है, जब जानकारी होती तब बहुत लेट हो चुका रहते और जो तहसीलदार वगैरह बैठे थे तो ही तो वह आधा कर्मचारी आधा न्यायालय आई इनका तो चुप जहाँ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पहुँचा तीन आमंत्रण करे के एक फॉर्मेट बनाए हैं और वो में कुछ नहीं ना कहो कि गवाह न जीरा न बाँस न कोनो मतलब नहीं ये चुपके हुए फॉर्मेट कब भरा थे पटवारी का दे देते अब पटवारी वो पहले से लिखे रहा था सलगा बस ना मात्र ओकर ओकर सब कुछ तिलाबी तिलाबी कंप्लीट रहा थी नाव रकबा भर के और सब कंप्लीट करके खसरा में प्रदर्शित कर देते। यह स्थिति है आज जो यह फर्जीवाड़ा बढ़ लगे चिटफंड कंपनी वाले लोगों के समित गठी थी कुछ चिटफंडों वाले ऐसे बॉन्ड निष्पादित करके रुपया लेने हैं रुपया बॉन्ड दे देनी ना और भूइया ले लें तो यह जो स्थिति है तो हम तो ये कहते हैं कि आज यह करुणा भवन के सामने जो ही लोग आए हैं तो एक नाम करुणा है तो करुणा रहा है कपटी भवन न रहा है और चूँकि जो ये स्थिति निर्मित होने लगी तो कहाँ न कहाँ रजिस्ट्रार के में दोष है और वो झोला छाप डॉक्टर की इतनी क्षमता हो गई कि केहू के वो घर हड़प ले भूइया हड़प ले तो ये स्थिति आज हमारे संज्ञान में आई रही तो जो अपना के सामने है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि सीधी के ये करुणा भवन में लगातार हम कही थे कि नाव रखे से करुणा नहीं बहे लागे नाव करुणा होए से यदि करुणा बहे लागे तो वास्तव में राम राज्य हो जाए सीधी में, किंतु ये करुणा भवन भ्रष्टाचार के अड्डा बन चुका है ये हम नहीं कही यह स्थिति कहा थी और यह मैं लोगन के ग्रामीणन के बेबसी कहा थी कि यह करुणा भवन जो है भ्रष्टाचार के अड्डा बन गया है। बेचारे ग्रामीण जे महज पढ़े लिखे नहीं आई जे लोगन के भरोसा में चला थे सोची उनके साथ कितना बड़ा धोखा भा आज पूरा परिवार सड़क में जो है उतरे का मजबूर है। हालात यह कि सिर्फ गलती ये तनी रही कि बेचारा भरोसा करीस किंतु जो सिस्टम है हमारा सरकारी सिस्टम है जेका यह दायित्व तो दीन गया है कि हर व्यक्ति का पूरी जानकारी दीन जाए रजिस्ट्रार ऑफिस में वह व्यक्ति का पूरी जानकारी दीन जाए चाहिए कि भाई यह बेची जा रहा ही जमीन ना कि बंधक बनाई जा रहा ही तो शायद
जो है बंधक न बनबौते हैं, न बेचबे करते हैं, न कुछ यह घटने होते, किंतु हालात यह है कि सब अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और आम आदमी गरीब आदमी लूटे का मजबूर है। हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट माँ और यह आशा के साथ खड़े हैं कि इनका गरीबन का न्याय जरूर मिले। मास्क लगाई कहे कि कोरोना जो है बेहद अपने चरम और बेकाबू स्थिति में पहुंच रहा है। जरूरी यह है ऐसे ये बात कह रहे हैं कि कोरोना का लेके अब सीधी माँ लॉकडाउन लग चुका है, दुई मौत हो चुकी हैं। तब पूरा मामला तो अपना का बताए नहीं है, किंतु कोरोना के बारे में जरूरी हम हर बे अपना पंचन से चर्चा करी थे कि मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करिए, उस साथ में सबसे बड़ी चीज़ कि हाथ सैनिटाइजर साबुन से अवश्य धोवत रही। आपन वो अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।